स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर शहर को स्मार्ट बनने की कवायद वर्षों से जारी है, लेकिन अभी भी यह पूरा नहीं हो पाया है। खासकर सड़कों की स्थिति अभी भी जर्जर है। मुख्य रूप से वुडको के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाने को लेकर शहरवासी काफी परेशान है। आज भागलपुर में वार्ड नंबर 50 और 51 में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। इसी क्रम में सप्लाई वाटर जिससे आती है वो पाइप फट गई और दोनों वार्ड में गंदा पानी पाइप से घर तक आने लगा। इस बात से वार्ड नंबर 50 और 51 के लोग काफी आक्रोशित हो गए और वो वुडको के इंजीनियर पर गंदा पानी फेंक कर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों ने कहा, हम लोगों ने इसकी सूचना कई बार स्मार्ट सिटी के अधिकारियों और इंजीनियर को दिया, लेकिन वुडको के कोई भी अधिकारी इस बात पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिससे हम ग्रामीण आक्रोशित होकर अपने हक की लड़ाई के लिए विरोध में इंजीनियर के ऊपर गंदा पानी फेंक कर विरोध प्रदर्शन जताए हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधा अगर नहीं मिलेगी तो कैसे लोग जी पाएंगे। खासकर मूलभूत सुविधाओं में ना तो बिजली की व्यवस्था अच्छी हो पाई है और ना ही पानी और सड़कों की। हम शहर वासियों को जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाओं में कम से कम बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था दुरुस्त करके दिया जाए, तभी भागलपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आएगा। वरना सिर्फ सौंदर्यकरण के नाम पर पैसे का आपसी बंदर बांट करने से कभी भी भागलपुर स्मार्ट नहीं बन पाएगा। पाइप बिछाए बोले थे कि दो महीना में हम रोड बनाएंगे, जिस तरह काट रहे हैं उस तरह बनाएंगे। आज 14 महीना हो चुका, ग्रामीण को चलने फिरने में सारा परेशानी है। पानी का क्या परेशानी? पानी का परेशानी तो देखिए लिए कि काला काला पानी निकला, लाली का पानी निकल रहा है, अब पूरा महक रहा है, लाली से बेहतर चेपी पैखाना का पानी के बराबर पानी महक रहा है। इंजीनियर साहब को बोले? इंजीनियर साहब साथ है, बोला हमसे कोई परेशानी नहीं है, ये दूसरा ठेकेदार का। सब एक दूसरे पर फेंक रहा है, सब एक दूसरे। हम क्या करेंगे, हम तो रोक के रखे हैं इनको कि आप मेरे पानी का समस्या सॉल्व कर दीजिए और आपको हम छोड़ रहे हैं, और क्या करेंगे परेशानी। यहाँ पब्लिक का ये है कि पानी जो ड्रिंकिंग लाइन डाला गया है पहले से पुराना लाइन जिसमें सप्लाई हो रहा है, उसमें कहीं से सीवर का लिंक हो गया है, पाइप या डैमेज हो गया होगा या जर्जर हो गया होगा, उसकी वजह से उसमें लिंक होकर के आपके पाइप बिछाने के कारण हुआ है। हाँ, उसमें गंदा पानी जा रहा है जो कि सप्लाई के थ्रू सबके घरों में जा रहा है। अब हाँ परेशानी हो रही है। उसके बाद अभी पब्लिक का देखने मतलब अब पब्लिक का कहना ये है, हम सीवर का यहाँ पाइप लाइन का काम करवाए हैं, तो सीवर के पाइप लाइन के थ्रू हमारा पाइप लाइन डालते समय जहाँ पर भी जो भी कनेक्शन टूटा है, सप्लाई का छोटा कनेक्शन हाफ इंच या एक इंच का कनेक्शन टूटा है, उसको हम साथ के साथ ज्वाइंट करते चले गए और उसके बाद अपना काम हम पूरा करके क्लोज कर चुके हैं। और आज के डेट में यहाँ ये है कि पानी, गंदा पानी उनके पास जा रहा है। अब पब्लिक का ये कहना है कि आप जो पाइप डाले हो उसकी वजह से हमारे घरों में पानी, गंदा पानी जा रहा है, जबकि यहाँ दो तीन पार्टी काम कर चुका है। एक ड्रिंकिंग वाटर लाइन का काम चल रहा है, सीवर लाइन का काम चल रहा है और ड्रिंकिंग लाइन का काम तीनों तरफ है, तिराहा है, तिराहा। निदान यह है कि अब ये जल निगम में से बोले अधिकारी को, हुडको को, वहाँ से अब पब्लिक बोलेगी। आपने बोले। अब वो जिसको 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 बोलेंगे वो आ करके यहाँ उसको सॉल्व किया जाएगा। जिस हमारा सत्य प्रकाश मौर्य, हम इंजीनियर हैं अडानी के। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के छोटी दिलौरी निवासी नीलम यादव की 3 दिसंबर 2022 को स्तन सहित पूरे शरीर को काटकर फेंकने वाला आरोपित शकील मियां ने जेल से छूटते ही नीलम यादव की परिवार को नरसंहार की धमकी दे डाली है। बेरहमी से मार डाली गई नीलम के पति अशोक यादव और उसके 3 बच्चों को धमकी दिया गया है, जिसको लेकर नीलम के परिवार में एक बार फिर से दहशत का माहौल बन गया है। उन्हें डर है कि शकील और उनके झारखंड के राजमहल सुंदरपहाड़ इलाके में शरण लिए साथी बदमाश उनकी भी हत्या ना कर दे। वहीं एसएम कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रही नीलम यादव की बेटी नीतू कुमारी शकील के निकलने से भयभीत हो गई है और पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने 2 भाई कुंदन और चंदन के साथ अपने ही घर में कैद हो गई है। वहीं नीतू कुमारी ने बताई कि जब वो अपने घर से बाजार के तरफ जा रही थी तभी तो रास्ते में रोककर शकील के बेटा और भांजा नीतू के ऊपर पत्थर फेंकने लगा और गंदी कमेंट भी करने लगा। वहीं नीतू का भाई जो कुछ दिन पहले फौज में भर्ती होकर देश का सेवा करना चाहता था, अब वह भी अपराधी शकील के डर से घर में कैद हो गया है। पिता अशोक यादव किसी तरह दूध लेने अपने बसा पर आते जाते हैं। अशोक यादव पुत्र ने बताया कि पुलिस बदमाशों की तरफ से अनाधिकृत रूप से पहाड़ की तलहटी में बने बासा में ठिकाना बनाए हुए हैं। तत्कालीन सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने वहां पुलिस शिविर खोलने की बात कही है। बदमाशों का बासा भी पुलिस ने हटा दिया था, लेकिन फिर से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया है। बदमाशों की आवाजाही शुरू हो गई है।
पुलिस को धमकी दिए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हालांकि पीरपैंती अंचल इंस्पेक्टर लाल बहादुर ने मामले की जानकारी पर त्वरित कार्यवाही की बात कही है। छोटी दिलौरी और पहाड़ की तलहटी जाकर वह खुद हालत का जायजा लेंगे। अंचल इंस्पेक्टर ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बात कही है। और बताइए, जब शकील मियां जेल से बाहर आया तो उसके बाद आपको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी? तकलीफें झेलनी पड़ी, नहीं तो पापा खेत जा पाते हैं, नहीं हम लोग पढ़ पाते हैं, नहीं मार्केट जा पाते हैं। यहाँ तक कि हम जब शाम होता है, एक बासा है, वहाँ तक जाने का मन नहीं करता है। अच्छा, शकील मियां की तरफ से आपको धमकियां मिलती है? बहुत सारी धमकियां मिलती है। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि कभी हम बाजार से आते तो उसमें अभद्र कमेंट किया जाता है, साथ ही आपने बताया कि उसमें पत्थर चलाया जाता है, हमारे भाई को मारने के लिए दौड़ाया जाता है, ये सब क्या मामला है? देखिए सर, हम जब मार्केट से आते हैं ना, तो किसी टाइम शाम हो जाता है, किसी दिन नहीं भी होता है। जब शाम, हल्का शाम हो जाता है, तो वो सब शकील मियां हुआ, उसका भांजा एक रहता है वकील नाम का, वो और उसका बेटा, गंदा सब आपको बता नहीं सकते हैं सर, इतना गंदा सब कमेंट करता है और अकेले देखता है, पत्थर फेंकता है, कुछ से कुछ बोलता है। मैं तो सबसे पहले जितने भी नेता आए थे, मैं तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन अभी जिस परिस्थिति में हम हैं, पढ़ाई छोड़ दिए, मेरा भाई पढ़ाई छोड़ दिया, घर में बैठे हैं सब लोग, सिर्फ हम चाहते हैं कि वो लोग ध्यान दे हम लोग पे, ताकि वो फिर से अंदर चले जाए। अच्छा, सुरक्षा की मांग करते हैं आप लोग? अभी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो सुरक्षा की मांग चाहते हैं? हाँ सर, सुरक्षा चाहते हैं। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून, लुक सलून। लुक सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के माचपुर इलाके में एक ही परिवार के चार महिलाओं के साथ गलत नीयत से घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। चारों महिलाओं का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में किया जा रहा है। मामले को लेकर पीड़िता के पति का कहना हुआ कि घर में एक भी मर्द नहीं थे। आरोपी पक्ष बकरी के द्वारा सहजन का पत्ता खाने का आरोप लगाते हुए घर में घुसा और महिला के साथ खींचातानी करना शुरू कर दिया। वहीं महिलाओं के द्वारा विरोध करने पर लोहे के रोड से महिलाओं के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान घायल नाजिया बीवी आफरीन बीवी सजा व नाहिदा कौसर का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है, वहीं एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया भी परिजनों का हाल चाल जानने मायागंज अस्पताल पहुंची। क्या सब हुआ आप लोगों के साथ? कोई नहीं मरा, तुरंत कोई भी नहीं, तो सब खेत पर चला गया था। हम चारों यानी सास पुत्र थे घर में, और आया यानी गलत नियत से घर में डूब गया। उसके बाद जो है ना, तो उसमें शामिल नहीं हो पाया, तो हम लोग को जो है ना, तो खंती से हरीटा से यानी सब मिलकर चारों सास पुत्रों को मारे से मिलकर, बच्चा तो को मारे से। कौन लोग मारे? क्या किन लोगों ने मारे? कौशल और कासिम था, और कासिम का लड़का था आसद। कौशल और कासिम? हाँ, और आसद था, और उसका यानी बेटी उठी थी। सब लोग मिलके यानी 10-12 आदमी मिलके मारे सब लोग। आपके घर घुस गए? घर में हम लोग बंद भी हो गए ना, तो घर भी ठेल के यानी तोड़ के यानी मारे सब लोग। सर मुझे क्या ना, तो घर में बुरी नीयत से मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर, हम बचाने में मेरा पूरा सब घायल हो गया। कितने लोग घुसे थे? मतलब दो भाई थे, एक लड़का था, तीन मरद था, और वहाँ में उसके पिस्तौल तक था, गोली तक दही सब उसी के कुंडे से उसमें चोट लगा, लग नहीं सका गोली उसको, लेकिन तो हाथ बचाते हुए लगे ना, गोली भरा हुआ नहीं था, धरा बताई भी नहीं, मगर उसके हाथ में पिस्तौल तक था। गलत नियत से घुसे थे? हाँ, गलत नियत से।
कितने लोग को जख्म मारा? बचाने में मतलब अपनी बेटी सबको बचाने में बस याद रखना। बेटी लोग को लोग चोट लगा? हाँ सबको मार दिया। कहा है हमारा? बस वही बुरे नियत से वह घर में घुसा था, मेरे घर में मरा था। मैं तब क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलाम कादिर। घर? माजीपुर। कैसे कुछ हुआ आपके ये मामला? मामला सर एक बकरी का बहाना लेकर के वो गलत नियत से मेरे घर पहुंचा था, जिसके कारण से वो सफल नहीं हो सका सर, जिसके कारण से वो जितनी घर में लेडीज थी चारों लेडीज को मार करके वो सर जख्मी कर दिया। क्यों मारा? मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कौसर और मोहम्मद अरसद। विवाद क्या था? विवाद एक बकरी का बहाना था सर। घर घुस के मारा गया? घर घुस करके टट्टी को तोड़ कर करके घुस करके मारा, सभी मिल कर करके। टोटल चार खंती से जी। कैंची से मारा गया? खंती, लोहा के खंती से मारा गया। लोहा के खंती से जी। चारों को? चारों को। जेंट्स कोई नहीं थे घर में? जेंट्स नहीं सर, एक हम अकेले थे, वो भी खेत पर थे सर। जब हल्ला उड़ा तो हमको कुछ अगल बगल का आदमी गया बुलाने के लिए कि तुम्हारे घर में देखो मार करके सबको, वो लोग चला गया। कब की घटना है? घटना 4:15 शाम की। अपना परिचय दे, अपना नाम बता। मोहम्मद गुलाम कादिर। गुलाम कादिर। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में मुंबई की मशहूर गायिका ऋचा शर्मा श्रावणी मेला के अंतिम दिन नमामि गंगे घाट पर भोले बाबा के भक्ति पर आधारित एक से एक गाने गाकर श्रोताओं का दिल जीत लिया। ऋचा शर्मा ने भोले का लगन, ओम नमः शिवाय सहित भोले बाबा पर आधारित विभिन्न गाना गाते हुए सभी श्रद्धालुओं एंड कांवरिया का मन मोहित कर लिया, साथ ही सभी श्रद्धालुओं एंड कांवरिया को झूमने पर मजबूर कर दिया। ऋचा शर्मा की भक्ति गीत से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस मौके पर पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी, सांख्यिकी पदाधिकारी राजेश कुमार, राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार, महिला पुलिस पदाधिकारी किरण सोनी सहित तमाम पदाधिकारी एंड कर्मचारी गण एंड श्रद्धालुओं व कांवरिया गण मौजूद थे।